हेलो एवरीवन, तो मोटरवुड की एक नई वीडियो में आप सभी का स्वागत है। तो आज हम आए हैं एचआर मोटर्स, जो कि टीवीएस का शोरूम है लक्ष्मणगढ़ सीकर के अंदर। तो आज हम बात करेंगे टीवीएस जुपिटर 125 की। तो क्या क्या फीचर जो है इसके अंदर अपने को कंपनी प्रोवाइड करती है, क्या क्या कलर ऑप्शंस अपने को देखने को मिल जाते हैं और क्या प्राइस जो है कंपनी ने इसका रखा हुआ है। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। बात करें इसके फ्रंट की, तो फ्रंट में कुछ इस प्रकार का जो क्रोम जो है उसका यूज इसके हेड जो है उस पर यूज किया गया है। यहाँ पर अपने को जो ग्लोसी ब्लैक फिनिश है वो देखने को मिल जाती है। यहाँ पर अपने को जो फुली एलईडी सेटअप लाइट का है वो अपना दिया गया है। यहाँ पर अपने को जो टीवीएस है उसकी बैजिंग देखने को मिल जाती है। और अगर बात करें इसके नए अपडेट्स की, तो इसके अंदर जो डीआरएल्स दिए गए हैं वो अच्छा खासा, जो कि इसकी लुक को जो इनहेंस ही कर रहे हैं। यहाँ पर अपने को जो टर्न इंडिकेटर्स हैं उनके साथ ही जो डीआरएल्स हैं वो दिए गए हैं। और पूरा जो क्रोम है उसका यूज अच्छे ही खासे तरीके से किया गया है। और अगर बात करें इसके न्यू अपडेट्स की, तो इसके अंदर अपने को जो अलॉय व्हील मिलते हैं, पहले मतलब बेसिक से अलॉय व्हील मिलते थे, जैसे आप देख सकते हैं पुरानी जो जुपिटर है उसके अंदर इस प्रकार के अलॉय व्हील मिलते थे, लेकिन जो अब जो अपडेट किया है उसके अंदर अपने को डायमंड कट अलॉय व्हील विद फ्रंट के अंदर डिस्क ब्रेक और रियर के अंदर अपने को जो ड्रम ब्रेक है उनका ऑप्शन देखने को मिल जाता है। अपने को साइड के अंदर जुपिटर 125 जो है उसकी बैजिंग देखने को मिल जाती है। इसके अंदर अपने को 125 सीसी का पावरफुल इंजन टीवीएस की तरफ से प्रोवाइड किया जाता है। कुछ इस प्रकार की, जो कि देखिए आप देख सकते हैं पहले मतलब सिंपल सी की जो थी वो प्रोवाइड की जाती थी, लेकिन अब की के अंदर भी जो अपडेट है वो कर दिया गया है। कुछ इस प्रकार की जो की है वो अपने को टीवीएस जो है वो प्रोवाइड करती है। यहाँ पर अपने जो इग्निशन सिस्टम है वो दिया गया है, और इग्निशन सिस्टम के साथ ही अपने को जो चार्जिंग सॉकेट है जिसके अंदर अपने को यूएसबी टाइप जो चार्जिंग सॉकेट है वो देखने को मिल जाता है। और चार्जिंग सॉकेट के साथ ही अपने को जो मतलब अपन यहाँ अपन फोन चार्ज लगा सकते हैं, उसके बाद में अपन जो ग्लव बॉक्स है वो दिया गया है। ये मतलब आराम से इसके अंदर जो फोन है या अपना जो क्लीनिंग क्लॉथ है वो आराम से अपन कैरी कर सकते हैं इसके अंदर। लेग रूम के अंदर अपने को एक अच्छा खासा जो स्पेस है वो मिल जाता है। यहाँ पर अपने को जो अगर कुछ सामान है अपने को हैंगिंग के लिए जो ऑप्शन है वो दिया गया है। और सबसे जो नया अपडेट या और जो सबसे अच्छी चीज़ लगी वो है कि मतलब अगर पहले अपने को फ्यूल अप करवाना होता था तो अपन को स्कूटी से उतरना पड़ता था, या लेकिन अब अपन बैठे बैठे भी इस स्कूटी पे जो है वो फ्यूल अप करवा सकते हैं। पहले जो फ्यूल कैप थी वो यहाँ पे दी गई थी, लेकिन अब जो अपडेट किया गया है वो फ्यूल कैप के अंदर ये यहाँ कर दिया गया है कि मतलब जो फ्यूल कैप है वो अपन बैठे बैठे स्कूटी पे यहीं जो है अपना फ्यूल अप करवा सकते हैं। जैसे ही अपन की को प्रेस करके इस साइड में टर्न करते हैं वैसे ही जो अपना फ्यूल कैप है वो ओपन हो जाता है। अगर बात करें इसके एक और अपडेट की, तो इसके अंदर जो मेरे को सबसे अच्छा जो फीचर लगा वो लगा कि जैसे ही अपन इसके सीट ओपन करते हैं और सीट के अंदर अपने को देखने को मिलता है एक अच्छा खासा धमाका। देखिए इतना खासा, इतना मच मोर जो स्पेस है वो किसी भी स्कूटी के अंदर अपने को प्रोवाइड नहीं किया जाता है। मतलब अंडर सीट के अपन जो है मतलब दो आराम से जो अपने हेलमेट्स हैं वो कैरी कर सकते हैं, क्योंकि जिस रोड रूल के हिसाब से अपन अगर टू व्हीलर व्हीकल चला रहे हैं और अगर दो जने बैठे हैं तो अपने को दो हेलमेट्स की ज़रूरत पड़ती है, लेकिन सभी स्कूटीज में एक ही हेलमेट रखने की जो है जगह मिलती है, लेकिन दूसरा कहाँ रखें। तो इस हिसाब से टीवीएस ने एक अच्छा खासा जो फीचर है वो दे दिया है कि अपना जो अपन आराम से यहाँ पर दो हेलमेट्स हैं वो कैरी कर सकते हैं। अगर रियर की बात की जाए, तो रियर के अंदर कुछ इस प्रकार की जो एलईडी प्लस हेलोजन जो है उन दोनों का सेटअप जो है अपने को बैक लाइट के अंदर देखने को मिल जाता है। अब अगर इसके कंट्रोल्स की बात करें, तो ये जो बटन दिया गया है ये दिया गया है एक प्रकार से जैसे पहले i3s टेक्नोलॉजी आती थी उसी प्रकार से ऑटो कट जो टेक्नोलॉजी है वो इसके अंदर टीवीएस ने दिया है। जैसे कि आप अगर कहीं पे लॉन्ग ड्राइव करते हैं और स्टार्ट है अपनी, तो उसके अंदर थोड़ी देर बाद में अपनी जो है ऑटोमेटिकली अगर अपन कहीं सिग्नल पर खड़े हैं तो ऑटोमेटिक जो है इंजन के पावर जो है वो कट आउट हो जाती है। और अगर बात की जाए इसके मीटर की, तो कुछ इस प्रकार का सेमी डिजिटल मीटर अपन इसको बोल सकते हैं, जिसके अंदर एनालॉग और जो डिजिटल है वो दोनों के फायदे देखने को मिल जाते हैं। अगर बात की जाए जुपिटर 125 के एक्स शोरूम प्राइस की, तो वो है 88,484 रुपये, जो कि एक्स शोरूम प्राइस है, क्योंकि ऑन रोड प्राइस जो है वो अपने स्टेट के हिसाब से ऊपर नीचे होता रहता है। अगर बात करें जुपिटर 125 के अंदर कलर्स की, तो इसके अंदर अपने को चार कलर ऑप्शंस जो हैं वो अपने को टीवीएस की तरफ से देखने को मिल जाते हैं। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक, और ऐसी ही कार और बाइक रिव्यूज की वीडियो देखने के लिए मोटरवुड को सब्सक्राइब जरूर करें। और अगर अभी तक आपने जुपिटर ZX की वीडियो नहीं देखी है तो स्क्रीन पर टैप करके जुपिटर ZX की वीडियो जरूर देखें।